कुआं तालाब मेले में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी है पुलिस ने। मेले में शराब पीकर घूमने वाले असामाजिक तत्वों पर होगी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई, ये कहा सौरभ रत्नाकर, SDO पवई ने। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पन्ना जिले की पवई जनपद पंचायत अंतर्गत माँ कंकाली कुआं तालाब बनौली में चैत्र नवरात्रि का मेला चल रहा है और सुबह से लेकर रात तक मेले में जिले के साथ साथ दूसरे दूर दराज इलाकों से भी लोग आ रहे हैं और माता के दर्शन करने के लिए मित्रों परिवारों के साथ मेला भी घूमने आ रहे हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सैकड़ों पुलिस बल मेला परिसर में तैनात है। पूरे मेले परिसर में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। SDOP सौरभ रत्नाकर द्वारा चलाई जा रही है और मेले में भ्रमण करने वालों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा है। SDOP सौरभ रत्नाकर के द्वारा रविवार को पुलिस बल के साथ मेले में फ्लैग मार्च निकाला गया। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SDO सौरभ रत्नाकर ने कहा कि अशांति फैलाने वालों को और साथ ही ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। यह मेला पवई क्षेत्र की पहचान है, इसे हम किसी भी प्रकार से धूमिल नहीं होने देंगे। बीती रात जिले के पुलिस कप्तान धर्मराज मीणा ने मां कंकाली कुआं तालाब बनौली पहुंचकर माता के दर्शन किए व मेले का भ्रमण किया तथा मेले में तैनात पुलिस अधिकारियों को कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वंदे भारत न्यूज के लिए बालेंद्र पांडे की रिपोर्ट। सर, जो कुआं ताल मेले में आपके द्वारा सैकड़ों की संख्या में बल तैनात किया गया है, उससे सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है या फिर नहीं? थाना सिमरिया के ग्राम बनौली में माता कंकाली के मंदिर पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 10 अप्रैल तक चलना है। इसमें हमारे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 1 सैकड़ा से अधिक पुलिस बल वहां तैनात किया गया है, जो 24 घंटे ड्यूटी अपनी कर रहा है। कल हमारे द्वारा मेले में फ्लैग मार्च निकाला गया था। सुरक्षा को लेकर कई बार उसमें कुछ शराबी व्यक्ति मेले में आने की शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें हमारे द्वारा अलग से एक पैदल गश्ती टीम तैयार की गई है, जो मेले में शराब पिए आए व्यक्तियों का ब्रीथ एनालाइजर से टेस्ट कर रहा है और अगर कोई पिए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी तरह हमारा समस्त बल जो है, महिला बल, सादा बल में और अन्य बल जगह जगह तैनात है। पूरी जगह सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। असामाजिक तत्व जो उसमें विघ्न उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेला हमारा सुचारू रूप से निरंतर इसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से चलता है। सर, अभी वर्तमान में कलिहन में भी लग चुका है मेला, तो कुछ संख्या में दुकानदार आ गए हैं, यहाँ पे भी कुछ इंतजाम होंगे? बनौली मेले के बाद ऐसा बताया गया है नगर परिषद द्वारा कि वहां से दुकानदारों को यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ भी उसी तरह भव्य मेले का आयोजन इस बार किया जाएगा। उस मेले में जितनी भी दुकानें आएंगी उनका आकलन करके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहां लगाई जाएगी। जी, धन्यवाद।